आज है 5 सितंबर और आज है टीचर्स डे। टीचर्स डे से याद आया, मैंने सुबह से दी को देखा नहीं, पता नहीं क्या कर रही है। चलो देखते हैं। दी, मम्मा दी का है। Hi, I'm ready for school. अरे वाह, बहुत अच्छे लग रहे हो। हैप्पी टीचर्स डे। थैंक यू। बहुत प्यारे लग रहे हो यार। रेडी हो गए? बस रेडी। सुबह से कहाँ थे? रेडी हो रही थी, फिर पूजा की। सबसे पहले प्रेयर करनी चाहिए ना, बीइंग अ टीचर, कि मेरी जो जिम्मेदारी है मैं ठीक से पूरी करूं। अब स्कूल में जाके भी हम सब प्रेयर करेंगे, बस और कोई प्रोग्राम नहीं है। एक प्रेयर सर्विस है अच्छी सी, ताकि हम सब टीचर्स इस आपदा के समय में भी अपना मनोबल बना के रखें और बच्चों को अच्छी शिक्षा दें। हमारे विद्यार्थी, उनके परिवार वाले, अभिभावक सभी स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे, प्रसन्न रहें। देखा जाए तो हम टीचर्स पे ही सबसे ज़्यादा लोड पड़ रहा है इस समय सबके साथ, लेकिन हम फिर भी अपना काम, अपनी ड्यूटी पूरी प्रतिबद्धता के साथ कर रहे हैं, इसीलिए हम प्रेयर कर रहे हैं। ठीक है, अब मैं अपना काम कर लूँ, आप बात कर लो। शिक्षक ज्ञान की ज्योति फैलाते हैं। हम सभी शिक्षक आज कैंडल जलाने के माध्यम से उस ज्योति का प्रकाश पूरे संसार में फैलाएंगे, ऐसा संकल्प लेते हैं। एक से दूसरे को हम ये ज्ञान की ज्योति आगे बढ़ाते हुए देते जाते हैं और ये ज्योति पूरे संसार में फैले, अज्ञान का अंधकार दूर हो। शिक्षक बनने का सुअवसर हमने पाया है, शिक्षक बनने का सुअवसर हमने पाया है। बहुत बड़ी जिम्मेदारी को हमने गले लगाया है, ये ज्योति उसी का संकल्प है। आज आपदा के समय में हम सब अपनी जिम्मेदारी पूरी कर्तव्य निष्ठा के साथ निभा रहे हैं। ये ज्योति हमें बार बार याद दिलाएगी कि हम अपनी जिम्मेदारी के प्रति प्रतिबद्ध रहे, सजग रहे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उन्हें राष्ट्रपति होने से ज्यादा अपने शिक्षक होने का गर्व था। वो हमेशा कहते थे कि मेरा जन्मदिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए, मुझे पर्सनल सेलिब्रेशन नहीं चाहिए, ऐसा सेलिब्रेशन चाहिए जो युगों तक शिक्षकों को सम्मान देता है। और आज उन्हीं के अनुग्रह से हम शिक्षक दिवस मनाते आ रहे हैं। ये ज्योति हमने जलाई है, हम संकल्पबद्ध हैं कि ये प्रकाश शिक्षा का फैलेगा, फैलता रहेगा, अज्ञान का अंधकार दूर होगा। अब यहाँ पर एक सेमी सर्कल बना हुआ है, मैं निवेदन करूंगी हम सब क्रम से आकर ये ज्योति सर्वपल्ली राधाकृष्णन के चरणों में समर्पित करेंगे। उससे पहले प्रभु से प्रार्थना करके अपने संकल्प के प्रति उनकी कृपा स्वीकार करें, हमारी प्रार्थना स्वीकार करें, उनकी कृपा हम पे बरसे। मधुर पावन वचन तेरा, ये वाली प्रार्थना हम सब साथ में गाएंगे। शुरुआत करेंगे सीजी मैम के साथ। मधुर पावन वचन तेरा, राह में दीप मेरा। अंधेरे से ज्योति की ओर,
हमारी प्रार्थना स्वीकार करेंगे, ऐसा हमें विश्वास है। इस ज्योति को हम डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के चरणों में समर्पित कर रहे हैं। Let us pray to the great God to remove ignorance from this world, especially from the minds of the young students. We are indebted to teach and remove the darkness from their mind. Let us impart knowledge selflessly and in a proper manner that they remember forever. Teaching being a noble profession, a day kept apart or kept aside to honor the teachers. It's a day of happiness, excitement for us teachers. दीदी कहाँ जा रहे हो? आप चलोगे? जा रहे कहाँ हो? मैं जा रही हूँ दूध लेने। मॉर्निंग में नहीं गई थी ना? हाँ हाँ, स्कूल जल्दी गई थी तो टाइम नहीं बचा। अब दूध लेने जा रही हूँ, आप चलोगे? हाँ हाँ, चलो फिर। पहले मास्क पहनो, ऐसे नहीं लेकर जाना है बाहर। चलो ठीक है, चलो। मास्क भी मैचिंग पहन लिया। पर्पल पर्पल बाई चांस ऐसा हुआ। हाँ बाई चांस। तो क्या हुआ, ब्लैक मास्क तुमको भी बहुत सूट कर रहा है। गाइस कमेंट करके बताना ब्लैक कैसा लग रहा है। हाँ, ऐसा आई थिंक ब्लैक सूट्स मी। सुरक्षित रहना सुंदर रहने से ज़्यादा ज़रूरी हो गया, पता है? नहीं मैंने कभी बोला कि सुंदर लग रहा है नहीं लग रहा है, मैंने तो बोला कैसा लग रहा है। तुम मास्क की भी कलर और डिज़ाइन देखो तो उसका मतलब यही हुआ ना। तो उसमें देखना तो पड़ता है ना, थोड़ा तो सूट करना चाहिए। मास्क प्रोटेक्शन है, बहुत ज़रूरी है। क्यों, आपका तो फुल सूट कर रहा है। बाई चांस मेरा आपको अच्छा लग रहा है, आप पे तो हर कलर सूट करता है। ब्लैक तो फिर भी सही लगता है। आपका फेवरेट कलर कौन सा है? जैसे आपको पता नहीं ऐसे कुछ है, मतलब चेंज हो गया हो तो। ऐसे कैसे चेंज हो जाएगा? नहीं हो जाता, नहीं होता है। मेरा ऑल टाइम फेवरेट है पिंक। यस मेरा बताओ। आज भी मैंने उसी कलर की ड्रेस पहनी थी। पिंक 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 मैंने पहन रखा है पिंक। मेरा बताओ। आपका ऑरेंज। नाउ ट्राई ट्राई येलो। नोप। हाँ तो कहाँ तक पहुँचे दिमाग में? देखो पहले तुम्हारा ऑरेंज फेवरेट था, फिर येलो फेवरेट हुआ, इसलिए तो मैंने बोला था चेंज होता है। हाँ तो आप तो जल्दी से जल्दी कलर चॉइस चेंज करते रहते हैं। होता है ना चेंज, बस तक आपके लिए ऐसे कैसे चेंज होता है तो बताया कैसे चेंज होता है। तो ठीक है, आई थिंक अभी लेवेंडर होगा। हाँ अब पता पड़ा है, अब की सही पकड़े हैं। सही पकड़े हैं। आज बारिश नहीं है, आज थोड़ी गर्मी सी हो रही है। आपने घर के बाहर देखा स्कूटी आ गई आज सर्विस से? हाँ पर उसका मिरर चेंज नहीं हुआ है दीदी। मिरर करवाना पड़ेगा उसका, मिली नीरा मार्केट में।
दोनों करवाने पड़ेंगे अगर नहीं मिला ऑब्वियसली तो. दोनों वो अभी भी दोनों कह रहे हैं अंकल कि या दोनों ही चेंज करवाएं. दोनों ही चेंज. वो वाला जो अभी जो चल रहा है ना वो बंद हो गया आना मार्केट में, क्या पता क्या हुआ है. जैसे हे गाइस, तो अभी इवनिंग हो रही है और आज है टीचर्स डे. तो आज दी से पूछते हैं, दी ने क्या स्पेशल किया. दी आने ऐसा खींच के क्यों लाई? आ कह रहे थे. अरे मैं कुछ कर रही थी. क्या पूछ रहे थे आप? क्या किया आज? क्या किया बताओ सच में. हाँ सच में पूछ रहे. आज सुबह सुबह बहुत बड़ा कारनामा किया मैंने. बताओ ना बताओ. क्या बताऊं यार, आज तो बड़ा गड़बड़ कारनामा किया. ओ ये क्या किया? ये देखो ये क्या किया मैंने. दोस्तों आज टीचर्स डे है और मैंने नई ड्रेस निकाली थी पहनने के लिए और अर्ली मॉर्निंग उठने के बाद सोचा कि इस पे आयरन तो किया ही नहीं है. आप सो रहे थे तो मैं चलो उस पे आयरन कर लेती हूँ. तो आयरन किया और मैंने ये किया, अपना नया का नया दुपट्टा जला लिया. कितना बड़ा नुकसान हो गया. ये कितना सुंदर दुपट्टा था और फिर उस ड्रेस के साथ मुझे दूसरा दुपट्टा डाल के जाना पड़ा. हालांकि तभी मैं देखूं शाम को आप बोल रहे थे वो वाला डालूंगा, सुबह ये डाला. लेकिन ये बहुत बड़ा नुकसान हो गया. एक बार भी नहीं पहना था मैंने इस दुपट्टे को और ये मेरा दुपट्टा इतना सारा जल गया है. इसकी क्या रिमेडी होगी, क्या करूंगी इसके साथ. रखी थी मेरे को दिखाओ नीचे कहां रखी. ओ बेडशीट भी जला दी. बेडशीट भी जल गई. सुबह सुबह मैंने ये नुकसान किया लेकिन उसके बाद का दिन काफी अच्छा रहा. मैं स्कूल गई. अम्मा को बताया? मैं बता दू? नहीं मत बताना. दुपट्टा जल गया तो बता दिया मैंने मम्मी को. बता दू? दुपट्टा जल गया तो बता दिया. बेडशीट भी जल गई, ये नहीं बताया अभी तक. हाँ तो ये गलती हुई मुझसे जाने कैसे. शायद जल्दी जल्दी के काम हमेशा शैतान के होते हैं. बताया ना अभी मॉर्निंग 5:30 पे मैं इस पे आया. साढ़े पांच बजे रात ही नींद में उठ के ऊपर मुझे याद है. और मैंने मेरी ड्रेस पे प्रेस तो नहीं की तो चलो करे तो ये किया. दुपट्टा जलाया, बेडशीट जलाई. लेकिन उसके बाद का दिन बहुत अच्छा गुजरा. मम्मा ने अभी सुन लिया ना तो कोई बात नहीं. बता तू उसके बाद का दिन बहुत अच्छा रहा है. बताओ. मैं स्कूल गई, वहां पे हमने सबने मिलके उनको तो बताया नहीं. इतने सारे बच्चों के मैसेजेस और कॉल्स आ रहे थे तो मैं उनको जवाब देने में लगी हुई थी. सब बच्चों ने मेरे डियर स्टूडेंट्स थैंक यू वेरी मच. आप लोगों ने मुझे आप भी स्टूडेंट भी हो सिस्टर भी हो तो उन सब ने मिलकर मुझे टीचर्स डे विश किया. बहुत अच्छी अच्छी विशेस दी. थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स. उन सबको जवाब दे रही थी अपने स्टूडेंट्स को, उनसे बात कर रही थी. और स्कूल में हमने सबने मिलकर प्रेयर की कि हम सबको इस कोरोना काल से मुक्ति मिले. हम टीचर्स अपनी ड्यूटी पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ करते जाएं, ये प्रेयर हमने की. सेलिब्रेशन नहीं हुआ? नहीं सेलिब्रेशन, कोई और सेलिब्रेशन हमने नहीं किया क्योंकि इस समय अभी कोई सेलिब्रेशन नहीं कर सकते. सिर्फ प्रेयर की. टीचर्स डे इस तरह से मनाया गया प्रार्थना के साथ और वो मैं आपको दिखाऊंगी. आप भी उस प्रेयर में शामिल होइए. हम सब अपने विद्यार्थियों के लिए प्रार्थना करते हैं कि वो स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे, अपने परिवार में उनके परिवारजन अभिभावक सभी स्वस्थ और सुरक्षित रहे और हमारे लिए भी कि हम टीचर्स अपने परिवार के साथ स्वस्थ और सुरक्षित रहे. और फिर हमारे स्टूडेंट स्कूल आए जब भी स्कूल बहुत जब भी जो गाइडलाइन आएगी उसी के अकॉर्डिंग सब फॉलो करते हुए इस तरह से हमने टीचर्स डे मनाया. सब लोगों ने साथ में बैठ के बहुत सारी बातें की, मनोरंजन अपने आपस में कर लिया. ये था आज का दिन और बहुत अच्छे से गुजरा सिवाय उस दुपट्टा जलने के जो कि बहुत अर्ली मॉर्निंग हुआ था. उस समय तो मुझे थोड़ा टेंशन हो गया था कि यार क्या होगा आज. लेकिन मेरी टेंशन में बताओ बेडशीट भी जल गई उसका. बेडशीट भी जल गई है, नई बेडशीट थी वो भी. ठीक है हो गया नुकसान, क्या कर सकते हैं. तो दोस्तों आज का ब्लॉग देखिएगा, हमारे टीचर्स डे की प्रेयर देखिएगा. हम सब टीचर्स हैं, उसमें आपको दिखेगा कि मेरे स्कूल का माहौल जहाँ मैं काम करती हूँ कितना अच्छा है. इट्स अ फैमिली. कभी भी ऐसा महसूस नहीं होने दिया जाता है कि आप वहाँ काम कर रहे हैं, ऐसा लगता है हम अपना परिवार के साथ हैं.
तो हम सब ने मिलकर प्रार्थना की है, आप भी हमारे साथ जुड़ जाइएगा, उस प्रार्थना को सक्सेस बनाइए ताकि हम सब स्वस्थ सुरक्षित रहें। जरूर देखिएगा व्लॉग को, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, उसकी बहुत जरूरत है, तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइबर बढ़ाएं। मिलते हैं गाइस जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।